पता है कहाँ जाना है तुम लोग को? शादी में जाने की तैयारी कर रहे हो का? लग रहा है कि दुल्हा यही है, तुम दुल्हन हो। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर है हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिल्ले, एक सैरी हो जाए इनकी तरफ से। बोल दो भाई बोल दो। और ये भाला लेके चलता है ये लड़का, इसका नाम है ना। दोस्तों आप सभी कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। सो दोस्तों आज सुबह के टाइम में लगभग में 10 बज रहा है, तो हम और बाकी तीन लोग और हैं, तो हम चलते हैं खेत में बरसीन काटने के लिए, क्योंकि हमारे साथ दो तीन लोग हैं, पहले इनसे मिलाते हैं। ये है प्रियांशु, कमेटी वाला बच्चा। उसके बाद विवेक, किशन एक आ रहा है और साइकिल से इसका क्या लेके जा रहे हो? केरा लेके जा रहा है भैया। तो दोस्तों अभी हम हैं तालाब के पास में, जो कि नरेगा हमारे यहाँ बोला जाता है। और ये है कमेटी वाला बच्चा, कुछ बोलोगे? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं बोलेगा। आज इससे कमेटी कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये अच्छा कमेटी करता है। करोगे? अरे कर देना यार, आज खेत में करेंगे। अच्छा विवेक, यही से काट ले का बरसीन? यहाँ एक बरसीन है किसी दूसरे का है, तो विवेक बोल रहा है यहाँ से काट लो। काट ले, तुम्हारा क्या कहना है? काट लो, चोरी में फंसाओगे का? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। दोस्तों रास्ते में बरसीन है, लेकिन मैं किसी खेत में काटूंगा नहीं, क्योंकि हमारे खेत में खुद बरसीन बोया गया है, जो कि लगभग में 10 मंडी के आसपास में है, क्योंकि जानवर 5-6 है इसी के लिए, तो हम अपने खेत में से जाके काटेंगे। इनको देखिए, गजरा मोजरा लगाएंगे, क्या करोगे इसका? सजोगे का? नहीं कुछ नहीं। रहने दो यार, मत तूलो। अरे मत तूलो भाई, यही जो फूल है इसी में फर बनेगा। अच्छा हमको सिखा रिया है। सो दोस्तों आज ठंडी काफी तेज है, देख सकते हो आज धूप नहीं निकली है, क्योंकि आज थोड़ी बहुत शीतलहर हल्का फुल्का है, लेकिन आज पछुआ बिहार चल रहा, मतलब पछू साइड से बिहार चल रहा है, तो शीतलहर कम रहेगी। जब पूर्व साइड से हवा चलती है तो शीतलहर काफी ज्यादा होता है, लेकिन पश्चिम साइड से जब हवा चलती है तो शीतलहर कम होता है। तो आज शीतलहर कम है, लेकिन हवा बहुत तेजी से चल रही है, तो ठंडी काफी ज्यादा अभी है। तो हम आ चुके हैं अपने बरसीन में आ चुके हैं। ये लोग देख सकते हो यहाँ गजरा मजरा सब लगाए हुए हैं। तो अभी विवेक बरसीन को काट रहा है, क्योंकि आज विवेक हमारे साथ आया, अच्छे नहीं आया, वो पढ़ने गया है, तो विवेक बरसीन काट रहा है। इनको देखिए, गजरा मजरा, मतलब सरसों लगा है, लाही खेत में लगा है, इनके शरीर पे भी उग चुका है, देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। और अभी विवेक बरसीन को काट रहा है, तो इतना काटा है बरसीन, यहाँ देख सकते हो ये सरसों है, ये भी सरसों है, वो भी सरसों है, लेकिन वो सरसों निजी बोया गया है, इसमें जो सरसों है बरसीन में जो लाही है, इसे सिर्फ जानवरों के लिए खिलाने के लिए इसमें बोया गया है। और वो है बाबा, जो कि मतलब इस गांव के वो आए हैं, देख सकते हो हमारे बरसीन के पीछे जो मेड़ है उस पर से वो दूबा निकाल रहे हैं। और किशन अभी बरसीन को काट रहा है, तो लगभग में थोड़ा बहुत और बचा होगा, तो इतना हो चुका है, थोड़ा और बचा है। सो दोस्तों हमारा बरसीन कट चुका है, देख सकते हो बरसीन इधर से काट के और इसमें रख चुके हैं। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, फूल है जो लाही का, सरसों का फूल होता है, वो सज बज रहे हैं, इनसे पूछते हैं कहाँ जाएंगे। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो यार? पता है कहाँ जाना है तुम लोग को? शादी में जाने की तैयारी कर रहे हो का? अच्छा अच्छा ये दुल्हन है, तो ये दुल्हन है तो इसकी शादी में जाओगे? अच्छा तुम दूल्हा हो। ये है दुल्हन, ये है दूल्हा, ये लोग शादी की तैयारी कर रहे हैं, शादी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कहाँ बरतिया रुकेगा? वहाँ पर। हाँ देखिए वहाँ लगा है टेंट, देख सकते हो यहाँ इनकी शादी होगी। तुम्हारी शादी वही होगी का? तो वहाँ टेंट तुम ही लगवाए हो का? जी। तो दुल्हा राम आपका ये जो सरसों का फुलवा है गिर जा रहा है, और टोपी ओपी कहाँ गया? अच्छा इनके साथ लगता नहीं है कि तुम्हारी हाइट इनके लायक है। हमें लग रहा है कि दुल्हा यही है, तुम दुल्हन हो। नहीं ये दुल्हन है, मैं दूल्हा हूँ। अच्छा तुम दुल्हन हो। गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड।
अच्छा तुम गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। सो दोस्तों इन्होंने तैयारी बना लिया शादी करने का, वहाँ लगा है टेंट, देख सकते हो वहाँ टेंट लगा है। ये है दुल्हन? नहीं नहीं नहीं, ये दुल्हन मैं हूँ, दूल्हा। अच्छा 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 दोस्तों, ये है दुल्हन, रुको जरा सबर करो। और ये है दुल्हा, दुल्हा क्या? ये दोनों की तैयारी हो रही है शादी की, वहाँ चलते हैं इनका शादी करवाए। शादी करवा दे का? पंडित तो खुद बन जाएंगे। पंडित यहाँ, पंडित यहाँ है, पंडित विवेक, पंडित विवेक पंडित है, तो ये शादी करवाएंगे। किशन, उसके बाद इसका क्या नाम है, प्रियांशु दुल्हन, और किशन दुल्हा राजा, तो इनकी शादी करवाने जा रहे हैं। चलोगे शादी करने का? तो दोस्तों इसके ऊपर बरसीन की बोरी लद चुकी है दुल्हन के ऊपर, ये दुल्हन है, दुल्हन गिर चुकी है, देख सकते हो दोस्तों दुल्हन ने, ये दुल्हा है, दुल्हा ने गिरा दिया दुल्हन को। बस बस बस, ज्यादा मत चढ़ना उड़ना वरना ओ अरे बरसीन दब जाएगी यार। उठाओ उठाओ, ये देख सकते हो बोरी उठा रहे हैं। तो दुल्हन दुल्हन का दुल्हन काफी ज्यादा कमजोर है जो कि देख सकते हो बोरी ले लेके गिर रही है, तो अब दुल्हा उठाएगा। दुल्हा उठाओ बोरा, तो अब दुल्हा उठाने जा रहा है, दुल्हा उठाने जा रहा है अपने ऊपर, देख सकते हैं कि दुल्हा मजबूत है कि पंडित पंडित काने पे रखवा रहे हैं। ये जो पंडित है विवेक पंडित, ये विवेक पंडित दुल्हन दुल्हा के ऊपर रखवा रहे हैं। दुल्हा भी बहुत कमजोर है, लगता नहीं है कि दुल्हन के साथ रह पाएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, दुल्हन बैंड हो गई है। अच्छा बैंड हो गई, तुम उठाओ भाई, दुल्हन नहीं उठ रहा है का? भाई अभी इससे इनसे उठवाना, इनसे। अच्छा पहले उठाओ, पंडित जी उठा दो। हाँ दुल्हन के ऊपर उठाओ, देखे ले जा पाएगी कि नहीं। चलो चलो उस साइड, अरे इधर कहाँ जा रहे हो यार, ए दुल्हन गांव उधर है, इधर नहीं, चलो उस साइड। बस बस बस, अरे यार पता नहीं कैसे जोड़ा इनका बैठेगा दुल्हन दुल्हा का। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। दोस्तों दुल्हा ने उठा लिया है बरसीन को, अपने सर पर रख लिया है, अब दुल्हन पीछे पीछे चलेगी, उसके बाद पंडित बाबा आप चलो। तो पहले दुल्हा, उसके बाद दुल्हन, उसके बाद पंडित, तमाम पीछे रहेंगे। उसमें खाने पीने की सामान है जो कि जानवरों के लिए है, घास, बरसीन, ये बरसीन काटने आए थे। सो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर चल रहे हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ विवेक हैं, ये पंडित बने थे, और ये दुल्हन, ये डंडा लेके चल रहा है कि कोई उल्टा सीधा बोले ना, और हाथ में चप्पल लेके चल रहा है। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं अगले पार्ट में हम लोग जब खेत में थे, अब खेत में से बाहर आ रहे हैं, अब हम सड़क पे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पर कौन आ रहा है, यहाँ पर बोलेरो है, देखो यहाँ पर बहुत गाली देते हैं बच्चे लोग, यहाँ के बच्चे बहुत खराब हो चुके हैं, खत्म। जैसे कि देख सकते हो बहुत दिक्कत हो रहा है ले जाने में गाइस, अब ये रख लिए हैं सिर पर, और यहाँ पर पूरा लहसुन बोया हुआ है, लहसुन का खेत ये सब देख, खेत इसी का है, इसी का एक खेत हमारा है, मालिक खेत का मैं ही मालिक हूँ। और वहाँ पर जैसे कि देख सकते हो वहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर है हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिल्ले जैसे कि देख सकते हैं भाग रहे हैं पिल्ले हमारे साथ जुड़े हुए थे, अब वो चल गए, दूर चल गए। और हाँ सो दोस्तों हम पहुँच गए हैं स्कूल के करीब में, और बहुत से जल्दी पहुँच गए हैं हम अपने मढ़ा पे। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लड़के भी हैं जो खेल रहे हैं ताश जुआ, जो जैसे कि आपको दिखा सकता हूँ मैं, हमारे साथ ये लड़के भी जुड़े हुए हैं। एक सैरी हो जाए इनकी तरफ से, बोल दो भाई बोल दो। सैरी मुझको नहीं आता है भाई, आपको आता है सैरी? किसी को मतलब इसमें से किसी को नहीं सैरी आता है। और यहाँ छोटे से बच्चे हैं, और ये भाला लेके चलता है ये लड़का, इसका नाम है नाग। और यहाँ पर
यहाँ पर है पंडोही है ये देख रही है। मतलब आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? बबी देवल। कोई बात नहीं। और यहाँ पर है छोटे किसान, किसान के भाई छोटे वाले, पर ताश खेल रहे हैं जैसे कि देख सकते हैं आप लोग। ये किट्टू है, ये है 36 32। सो दोस्तों हम आ चुके हैं घर, हमारे साथ हैं काफी सारे बच्चे, जैसे कि ये हैं शुभम, ये हैं शुभम है, नाम के तो शुभम है लेकिन विराट कोहली से कम नहीं है क्योंकि ये मैच काफी ज्यादा खेलते हैं। इसके बाद की बुरा मत मानिएगा क्योंकि ये कॉमेडी लवंडा है, तो कुछ गलत बोल दिया होगा तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। भाई सॉरी बोल दे तू भी। सॉरी गाइस, लेकिन मैं तो कुछ गलत बोला नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब ये कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन अगर जो आपको कोई बात गलत लगी हो तो उसके लिए सॉरी बोलते हैं। तो वीडियो को एंड करना चाहते हैं, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे कर देना क्योंकि ऐसी वीडियो मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।